बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं सना बतूर फूड ब्लॉग। ये तो सिस्टर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह इसी तरीके से बरकत दे आपके खाने में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मेरे बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मामा हमें खाना है पिज़्ज़ा और आप हमें घर पर बना कर दें। मैंने कहा चले जी बना लेते हैं घर में। फिर मैंने फटाफट जी ये डो तैयार की। डो की मैं आपको बताती हूँ कि डो मैंने क्या किया। एक टीस्पून मैंने ली ईस्ट ले ली और उसको मैंने हाफ ग्लास पानी में रखा आधे घंटे के लिए। साथ में मैंने डाले 2 टीस्पून शुगर के और हाफ टी स्पून नमक। वो जो मेरी ईस्ट थी वो राइस हो गई। फिर मैंने लिया 1 कप मैदा और उसमें मैंने वो पानी लिया था नीम गर्म। नीम गर्म पानी ईस्ट वाले से मैंने अपनी डो को भून के तो ये बना लिया कि बच्चे जो हैं एक टाइम का पिज़्ज़ा जो है वो इन्जॉय अच्छे तरीके से कर लें। तो इसको आपने इस तरह से भून के इसकी सारी एयर निकाल लेनी है। अब हम बनाएंगे इसका पेड़ा। सिस्टर्स, मैंने ये बना ली है पिज़्ज़े की रोटी थी, जो मैंने पिज़्ज़े की डो बनाई थी इसकी मैंने ये गोलमोल सी रोटी बना ली। ऑयल को मैंने कर लिया है ग्रीस। इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा, डस्ट करेंगे ताकि हमारी जो डो है वो नीचे ना लगे। अब मैं आपको इसमें दिखा के दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। इस तरीके से आपने अपना पैन डस्ट कर लेना है। इससे ये होगा, पहले ऑयल से ग्रीस करना है, फिर ऊपर मैदा आपने ऐसे स्प्रिंकल कर लेना है। ये तो सिस्टर्स मैंने ये देखे हैं, ये काम है बड़ी ज़रा मेहनत का। आपने इससे भी ऐसे बना लेना है जैसे कि शेप सी होती है मोटी सी। फिर मैं लगाऊंगी इसके साथ फोर्क में, फोर्क से ऐसे ये। तो सिस्टर्स मैंने ये बना लिया अपना पिज़्ज़ा को, मैंने ऐसे फोर्क मार मार के प्रिक मतलब कर लिया था। थोड़ा सा इसमें डॉट डॉट बना लिए हैं। ये मैंने बनाई है पिज़्ज़ा सॉस घर पे ही। आपने लेनी है चिली गार्लिक केचप, उसमें आपने डालने हैं रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून आपने डालने हैं और तकरीबन 1/2 टीस्पून आपने डालना है नमक और 1/2 टीस्पून से भी कम आपने डालना है काली मिर्च को। अब इसके ऊपर मैं पूरी अपनी सॉस जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। जी तो सिस्टर्स मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद अपना स्प्रेड करके चिकन डाल दिया है। इसके ऊपर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। और जाएंगे इसके साथ जाएंगे कुछ कैप्सिकम और साथ में कुछ जाएंगे अनियंस। थोड़ी और जाएगी चीज़, मैं मोज़रेला चीज़ ही डाल रही हूँ, मेरे पास मोज़रेला थी। आप चाहें तो आप मोज़रेला और चेडर आपके पास दोनों हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये अब हमारा रेडी हो गया है। डालेंगे मैंने मेरे पास है अंडा साइडों पे, जो मैं इसका अंडे की कोटिंग कर दूँगी ये साइड्स जो हैं सिर्फ इन पे। इससे ये होगा कि आपके पिज़्ज़े का कलर बहुत अच्छा आएगा। देख सकते हैं आपने कितना मज़े का लग रहा है, कितनी इसकी फीलिंग ही कितनी सेटिस्फाइंग सी लग रही है। इसको हम किसी ओवन में नहीं बनाएंगे, ना ही बेकिंग ओवन में बनाएंगे और ना ही माइक्रोवेव ओवन में बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ पतीले में। पतीले को मैंने पहले से प्रीहीट, अब ये चला जाएगा 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम के अंदर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप ये देखें मेरा मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अब हम इसको डिसोल्व करते हैं। जी तो सिस्टर्स यहाँ मेरा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। ये पतीले में ही बना है और बच्चों को ऐसे ही घर में बना के दें। अगर आपको किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं कमेंट्स में आंसर दूँगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।